Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो today we are here going to watch वाह क्या सीन है, और ये मीम्स है by Meme Minute एकदम के चैनल से. आज हम हैं मीम्स देखने के लिए. तो यार मीम्स देखने के लिए सबसे excited मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ, क्योंकि यार इतना दिन भर क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा काम वाम एंड टेंशन वेंशन चक्कर में ना, मतलब हंसना लोग भूल ही जाते हैं. और मीम्स हमारे लिए एक ऐसा एक चीज है जो यार हंसाता है हमको, एंड आई लव वॉचिंग मीम सो मच. मतलब रील्स इंस्टाग्राम रील्स का ठीक है, लेकिन ये वैसे वाले मीम्स देखना ना, मतलब मुझे अलग ही लाइक वाइब्स आते हैं. तो टुडे वी आर हियर विद द मीम्स ऑफ मीम मिनाटी. सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी. चलिए देखते हैं. और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार. तो हाजिर है एक और तड़कती भड़कती वीडियो के साथ. वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको दिल पर बिल्कुल भी मत लेना. और गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार दिल से बुरा लगता है यार. तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाना मत भूलना. और हाँ, हेडफोन भी यूज कर लेना. तो आओ यार शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. दोस्तों, आज सच में मैं अपनी बंदी से मिलने जा रहा हूँ. हकीकत में कोई सपना नहीं देख रहा हूँ. और उसने बस बोला था 200 रुपये लेके आना, रेड लाइट के पास बुलाया एक्चुअल में. और ये मैं, और ये लगता है दोस्तों यही है फाइनली. हेलो सर, चिकन है, बड़ी देर लगा दी. भागो प्रैंक हो गया. लेकिन एक सेकंड, अब प्यारी समझ गई. अबे साले, एक्चुअली वो मेरी शादी होने वाली है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, मेरे को क्योंकि मेरी फर्स्ट मैरिज है ना, फर्स्ट सौगात. फर्स्ट ही होता है. इसमें दिखा रखा है ना कैसे बनाना है, दिखा रखा है सारे. अच्छा हाँ जी, एक्चुअली इसमें पिक्चर एहे रहा नहीं जाता. झगड़ा हुआ ओके. बस हवा निकल गई. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? आप ही मुझे जानते. आपको होना नहीं बोला. आपको मैं टोरा लग रही हूँ. मैं अनम शेख हूँ, मुझे समझो. आ जाए, मैं यूट्यूब पे अनम शेख हूँ. हाँ मैं अनम शेख हूँ. मैं कब क्या करना चाहता हूँ? न्यू समझते हैं. अनम शेख. आपने मेरे साथ में क्या किया? अनम शेख. शेख तो भाई मैं बहुत बड़ा अनम शेख हूँ. वो शेखों के बारे में. अच्छा. ओ मेनू ऐ दसो, आप सिंगल हैं? क्यों क्यों बताऊं? अच्छा, ये सवाल का जवाब दें. वो कौन सी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं बट हाथ नहीं लगा सकते? और अभी तो रुको. क्वालिफिकेशन क्या आपकी? क्यों बताऊं आपको, नजर लगा देंगे. मैं पढ़ी लिखी माशाल्लाह से. तो यार कितनों आ गई है, अनु कोई मारदा क्यों मेरी बात में? आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है. मुझे पता है मैं इतनी प्यारी हूं. और ये मैंने सरासर झूठ बोला है, मैं बकवास कर रहा हूं. भाई आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ. मैं उसको बोलूंगा कि मुझे पता चल गया है कि तूने 10 लड़कों के साथ सेक्स किया है. देखो बहुत भोली लड़की है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है. बाद में उसे मैं बोल दूंगा. आइए देखते हैं. हाँ हेलो साक्षी. हाय. देख मुझे पता चल गया है कि तूने 10 लड़कों के साथ सेक्स किया है. अरे नहीं. अरे मैं तो बस एक छोटा सा प्रैंक. अनुराग आई एम सो सॉरी यार, आई एम रियली सो सॉरी यार. मैं तेरे को एक बात बताने ही वाली थी. आई एम सो सॉरी यार, बट आई रियली लव यू. लेकिन तेरे को एक बात पता कैसे चल गया यार? इनका तो चूते कट गया यार. बड़ा वाला.
पर अगर कोई नौजवान है तो ऐसे भी बैठ सकता है, अगर कोई बुजुर्ग है किसी को टांग में दिक्कत है गोड़ों में दर्द में दिक्कत है बैठ नहीं सकता तो ऐसे बैठकर एक ही सीट से दो काम हो क्या भी इंग्लिश बन गई जब से कपिल की शादी हुई है इतनी जल्दी जल्दी डन हो रहा है ना एपिसोड में क्या बताऊं मैं तो चाहता हूं एपिसोड सुबह तक चले झूठ बोल रहा है सच सच बता करता क्या है तू घर पे अगर एक भी काम करता है क्या करता है मैं अभी घर जाके क्या करेगा क्या करेगा अभी जैसे 10:30 से पहले चला जाऊंगा तो नायरा जाग रही होगी थोड़ा उसके साथ खेल लूंगा फिर उसकी माँ के साथ खेल लूंगा उसने कहा मत देख मेरे सपने इतनी तेरे औकात नहीं कहा मत देख मेरे सपने इतनी तेरे औकात नहीं हमने भी मुस्कुरा के कह दिया आना है तो सपनों में हकीकत में तो देरी भी औकात आग लगा दी आग लगा दी ये बढ़िया था क्या यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा ये डाला है भुवन ने फोटो पूरा ऐसे लिखा हुआ है ये कमेंट्स पढ़ते हैं अपने जूस शॉप के लिए मुझे एक लड़के की तलाश है जो गन्ना छील के मशीन में डाल सके अगर आप अवेलेबल हो तो डीएम करें एक्चुअली लग रहा है कि तू गन्ना उसमें डाल रहा है आपने बड़ा बारीकी से देखा ना हाँ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था नाभिक क्या होता है नाभिक क्या होता है नाभिक ढोड़ी होता है ढोड़ी चटाना समझ गई यही नहीं अभी और सुनिए एग्जाम दिए हाँ एग्जाम दिए हैं अच्छा कैसा गया एग्जाम तो एकदम चीटिंग करके पास होंगे इस बार अबे साले दम दम चीटिंग किया पूरा तो खुलेआम चीटिंग किया है दम सबसे कितना नंबर आएगा 70+ आएगा क्या बात है और अभी तो रुको न्यूटन के कितने लॉ हैं 3 होता है कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी शादी क्यों नहीं कर रहे थे आपके एक बात बताओ मैं शादी से क्यों डर लगता है मैं डरता हूँ कि यार बात ये मैंने बहुत सारे शोरों का हाल देखा है शादी करते ही जो है ना वो चले गए बाहर मुल्क चले गए अरे बीवी परेशान मेरे एक दोस्त था लेकिन उसकी शादी में शादी के 2 महीने बाद ही थाईलैंड चला गया महीना 3 महीना 4 महीना वापस ही नहीं आया बीवी ने गुस्से से फोन किया सुनिए जल्दी आ जाइए वरना जो चीज आप वहां खरीद रहे ना वही चीज मैं यहाँ बेचना शुरू कर आप मुझे बताएं कितने मुल्क घूमे मैं मैंने हाँ फिलहाल तो मैंने 3 घूमे अच्छा 3 घूमे फिलहाल कौन कौन से बांग्लादेश श्रीलंका और भारत श्रीलंका श्रीलंका बांग्लादेश और भारत ठीक है बांग्लादेश तो अपना ही था लेकिन अब अलग हो गया अब अलग हो गया बंगाल बीवी भी मेरी बंगाली है बीवी भी बंगाली कलकत्ता की है कलकत्ता की सोलट पीस सोलट पीस बीवी कोई बोलता है भाई साहब बीवी को पता कौन बोलता है लेकिन एक बात तो है लाइक ही अप्रिशिएटिंग दैट शी इज ब्यूटीफुल और लेकिन थोड़ा अच्छे शब्द यूज करो ना ऐसे सॉलिड पीस मार क्या चल रहा है कभी कभी ना लड़कों को समझ नहीं सकते अब क्योंकि उनके मुंह से क्या निकल के आए कब क्या निकल के आए जरा सा लेकिन मजा बहुत ज्यादा आया यार ये वीडियो सारे के सारे एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स थे आई लव इट सिर्फ वो कपिल का वो छोड़कर बाकी सब जो मीम्स है हमने देखा नहीं था और एकदम बढ़िया से मजेदार मीम्स थे आज कहाँ से लेके आए जस्ट डोंट नो लेके चुम्मेश्वरी मीम्स सो या दैट इज इट फॉर टुडे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो प्लीज़ फॉलो दैट थैंक यू